Hello students, this is the fifth unit, design of bunker. Today we will discuss about bunker and silo. These are the references for this lecture, IS 4995 part 1 1974, which is the code for the bins used for the storage of coal, cement, wheat flour, etc. And second is Steel Structures by Ramchandra, volume 2, which is the book for advanced steel. Now, what is bunker and silo? In the last semester, you have already learned about bunker and silo. We can revise here. Bunkers are large size shallow bins to store grains, coal and cement. Bunkers kya hote hain? Ek large size bin hota hai, jo ki यूज़ होता है कोल सीमेंट ग्रेन स्टोर करने के लिए. बहुत से पावर प्लांट में यूज़ होते हैं, बहुत से साइट्स पे यूज़ करते हैं. तो द प्लेन ऑफ रप्चर इंटरसेक्ट द फ्री सरफेस ऑफ द स्टोर्ड मटेरियल. इसकी बात अपन करेंगे कि जो प्लेन ऑफ रप्चर होता है वो इंटरसेक्ट करता है टॉप ऑफ द बंकर. जनरली इट इज़ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर इन शेप. सर्कुलर बंकर्स अपन यूज नहीं करते, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर होते हैं. साइलो, साइलो आर द डीप बिन्स फॉर स्टोरेज, दे आर सर्कुलर इन शेप. साइलो भी सिमिलर सेम रहते हैं बंकर की तरह, बट ये डीप रहते हैं, इनकी हाइट ज़्यादा होती है बंकर के कंपैरिजन में, और ये सर्कुलर इन शेप होते हैं. द प्लेन ऑफ रप्चर इंटरसेक्ट द अपोजिट साइड ऑफ द कंटेनर. इसकी बात करेंगे अपन. ये है वो चीज़ जो अपन बात कर रहे हैं कि जो प्लेन ऑफ रप्चर है बंकर में कहाँ से पास करेगा, टॉप ऑफ द बंकर से. ये जो प्लेन ऑफ रप्चर है जो कि 45 प्लस 5 बाई 2 बनाता है एंगल, ये कहाँ से पास करता है, टॉप ऑफ द बंकर में, टॉप ऑफ द बंकर से. और साइलो में कहाँ से पास करता है प्लेन ऑफ रप्चर, अपोजिट साइड ऑफ द वॉल से, अपोजिट साइड ऑफ द वॉल से. साइलो की हाइट बंकर के कंपेरिजन में ज़्यादा होती है. एच बाय बी, ये बोलूँ कि एच इज लेस देन बी 1045 प्लस 5 बाई 2, तो ये बंकर कहलाएगा मैथमेटिकली, टेक्निकली. और एच इज ग्रेटर देन बी 1045 प्लस 5 बाई 2, तो इस केस में ये साइलो कहलाएगा. अगर हाइट ज़्यादा है तो साइलो है, और हाइट कम है तो बंकर है. फाई क्या है भाई यहाँ पर, एंगल ऑफ रिपोज. फाई क्या है भाई, एंगल ऑफ रिपोज, या फिर एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन भी बोलता हूँ. नाउ डिज़ाइन ऑफ बंकर. अब बंकर की डिज़ाइन करेंगे तो बंकर की डिज़ाइन में नॉर्मली आप क्या करते हैं, ये साइड वॉल डिज़ाइन करते हैं और ये ऊपर बॉटम डिज़ाइन करते हैं. तो ये साइड वॉल है और ये ऊपर बॉटम है. यहाँ पर ओपनिंग रहती है, यहाँ पर क्या रहती है भाई, ओपनिंग रहती है जिससे मटेरियल नीचे की तरफ जाता है, कंटेनर्स में या फिर ट्रक में भर के सप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ से. तो जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर आ रहा है इस साइड वॉल पे, जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर आएगा उसकी वैल्यू जैसन थ्योरी से आप कैलकुलेट करेंगे. जैसन थ्योरी आपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ी थी, जैसन और एरी थ्योरी. जैसन का फॉर्मूला था हॉरिजॉन्टल प्रेशर के लिए, डब्ल्यू आर अपॉन म्यू डैश 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एच म्यू डैश के अपॉन आर, वे डब्ल्यू इज द यूनिट वेट ऑफ द मटेरियल स्टोर्ड, आर इज द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ. कैसे निकालता हूँ, एरिया अपॉन पेरीमीटर करके, एरिया अपॉन पेरीमीटर करके. म्यू क्या भाई, फ्रिक्शन कोफिशियंट, टेन फाइव से निकलता है, म्यू डैश है तो टेन फाइव डैश हो जाएगा, वन माइनस ई टू द पावर माइनस एच म्यू डैश के अपॉन आर. एच क्या होगी भाई, हाइट ऑफ द, ये हाइट ऑफ द बंकर, हाइट ऑफ द बंकर. म्यू डैश क्या होगा भाई, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. के क्या है आपका, प्रेशर रेशियो, पी एच अपॉन पी वी, हॉरिजॉन्टल प्रेशर टू द वर्टिकल प्रेशर. तो ये हॉरिजॉन्टल प्रेशर का फॉर्मूला है. ऐसे ही वर्टिकल प्रेशर का फॉर्मूला है यहाँ पर मेरे पास, डब्ल्यू आर अपॉन म्यू डैश इंटू के वन माइनस ई टू द पावर माइनस एच म्यू डैश के अपॉन आर. यहाँ कुछ नहीं हुआ, सिर्फ के का डिवाइड हो गया. के क्या है आपका, प्रेशर रेशियो, क्योंकि के की वैल्यू क्या होगी, पी एच अपॉन पी वी. तो जब पी एच की वैल्यू, पी वी की वैल्यू निकालूंगा तो पी एच अपॉन के हो जाएगा, तो पी एच की वैल्यू में के डिवाइड कर दिया आपने.
अब ये एंगल ऑफ वॉल फ्रिक्शन और प्रेशर रेशियो की वैल्यूज दे के रखी हैं, एंगल ऑफ वॉल फ्रिक्शन एंड प्रेशर रेशियो की वैल्यू दे के रखी है IS 4995 Part 1 1974 में, Table Number 2 है। अगर आपका मटेरियल कैसा होगा भाई, ग्रेनुलर होगा। इफ द मटेरियल इज ग्रेनुलर इट मीन्स मीन डायमीटर पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन 0.2 mm। तो फिलिंग के टाइम जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा मतलब फाई जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0.755। इसको 5 डैश बोल देता हूँ मैं, 0.755। और एम्पटिंग के केस में कितना होगा, 0.65। ऐसी जो प्रेशर रेशियो के की वैल्यू जो थी, फिलिंग के टाइम क्या होगा 0.5 और एम्पटिंग के टाइम क्या होगा 1। फिलिंग मतलब क्या है, जब आपका मटेरियल भर रहा है, और एम्पटिंग मतलब जब आपका मटेरियल खाली हो रहा है बंकर से या फिर साइलो से। पाउडरी मटेरियल के लिए क्या है भाई वैल्यू, 1515 दोनों फिलिंग और एम्पटिंग के केस में। पाउडरी मटेरियल में इसमें लिखा एक्सेप्ट वीट फ्लोर, वीट फ्लोर की बात नहीं करेंगे अपन। और इसमें क्या होगा 0.5 एंड 0.7 के की वैल्यू, फिलिंग के टाइम और एम्पटिंग के टाइम। ऐसे वीट फ्लोर के टाइम क्या होगा, 0.755, 0.755, दिस इज 0.5 एंड दिस इज 0.7। अब गवर्निंग लोडिंग केसेस, कौन कौन से लोड के लिए कैलकुलेट करना मेरे को। अगर PW कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, तो ग्रेनुलर मटेरियल के लिए एम्प्टी के लिए निकालूंगा, और पाउडरी मटेरियल के लिए फिलिंग और एम्प्टिंग दोनों के लिए बराबर आएगा। ऐसे pH हॉरिजॉन्टल प्रेशर का कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो ये एम्प्टिंग के लिए कैलकुलेट करूंगा ग्रेनुलर के लिए, और पाउडरी के लिए फिलिंग और एम्प्टिंग दोनों के लिए निकालना पड़ेगा। ऐसी जो PV है वो किसके लिए कैलकुलेट करूंगा भाई, फिलिंग के लिए पाउडरी में भी और ग्रेनुलर दोनों में। ये भी IS 4995 Part 2 का Table Number 3 है। अब मेरे पास एक रेक्टेंगुलर स्टील बंकर है जिसकी लेंथ कितनी है भाई, 12 मीटर, 6 मीटर वाइड है, सपोर्टेड ऑन 8 कॉलम्स, 4 कॉलम्स ऑन ईच साइड। चार क्या है भाई, चार एक साइड है और चार दूसरी साइड है। टू स्टोर कोल और बल्क डेंसिटी 8 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, 8 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब की बल्क डेंसिटी मतलब यूनिट वेट ले लूंगा मैं इसको। एन एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन कितना, 35 डिग्री, 35 डिग्री, ये फाई की वैल्यू है। हाइट ऑफ वर्टिकल पोर्शन इज इक्वल टू 4 मीटर और हाइट ऑफ अपर बॉटम इज इक्वल टू 4 मीटर, ये आपका डायग्राम है। अच्छा, इससे पहले कोल क्या भाई, एक ग्रेनुलर मटेरियल है, तो सारी प्रॉपर्टीज, ये सारे जो फॉर्मूलेज देखना है मैं किसके लिए देखूंगा, ग्रेनुलर मटेरियल के लिए देखूंगा। अब ये एक बैंकर था, ये इसका ऊपर बॉटम है और इसका साइड वॉल्स वाला पोर्शन है। इसकी हाइट 4 मीटर है, इसकी हाइट भी 4 मीटर है। यहाँ से ओपनिंग कितनी दे के रखी है मैंने, 1 मीटर दे दी। ये जो विड्थ है ये कितना होगा, 6 मीटर, और परपेंडिकुलर टू दिस साइड जो लेंथ है वो कितनी होगी मेरी, 12 मीटर की। कितने की भाई, 12 मीटर की। ये इसका प्रेशर डायग्राम है जो इस वॉल के ऊपर आ रहा होगा भाई, है ना, इस वॉल और ऊपर बॉटम के ऊपर प्रेशर डायग्राम जो आ रहा होगा। यहाँ पर PH@B होगा, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। ये PH@B होगा और ये PH@C होगा। ये हॉरिजॉन्टल प्रेशर जैसे जीरो से निकालूंगा बी और सी पे, और ये PH बन क्या है, इस ट्राइंगुलर प्रेशर डायग्राम की वजह से जो फोर्स आ रहा है उसको PH1 बोल रहा हूँ। इस रेक्टेंगुलर डायग्राम की वजह से जो फोर्स आ रहा है उसको PH2 बोल रहा हूँ। ऐसे इस ट्राइंगुलर डायग्राम की वजह से जो फोर्स आ रहा है इसको PH3 बोल रहा हूँ। सबसे पहले मेरे को ये PH@B और PH@C कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर फाइनली PH1 और PH2 PH3 की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा मैं। नाउ वी विल सी अ डिजाइन प्रॉब्लम ऑन बंकर। डिजाइन अ रेक्टेंगुलर स्टील बंकर ऑफ 12 मीटर लेंथ एंड 6 मीटर वाइड, सपोर्टेड ऑन 8 कॉलम्स, 4 अलॉन्ग ईच साइड। टू स्टोर कोल ऑफ बल्क डेंसिटी 8 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, एन एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 35 डिग्री, हाइट ऑफ वर्टिकल पोर्शन 4 मीटर एंड हाइट ऑफ अपर बॉटम 4 मीटर। क्वेश्चन में क्लियर लिखा है कि उसकी जो लेंथ है वो 12 मीटर है बंकर की, और विड्थ जो है वो 6 मीटर है। 8 कॉलम्स हैं, 4 एक साइड हैं और 4 दूसरी साइड होंगे। टू स्टोर कोल ऑफ बल्क डेंसिटी 8 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, कोल की जो बल्क डेंसिटी है यूनिट वेट है वो 8 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब है। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 35 डिग्री है,
हाइट ऑफ वर्टिकल पोर्शन 4 मीटर है और अपर बॉटम की हाइट भी 4 मीटर है। ये आपका लाइन डायग्राम हो गया। 6 मीटर इसकी विड्थ है, 12 मीटर परपेंडिकुलर टू दी स्लाइड इसकी लेंथ होगी, 4 मीटर हाइट है और ये 4 मीटर अपर बॉटम की हाइट है। जो ओपनिंग दे के रखी है ये 1 मीटर है, यहाँ से आप मटेरियल को डिस्चार्ज कर सकते हैं। ये इसका प्रेशर डायग्राम है, ये जो मटेरियल कोल भर रहा है, कोल जो फिल है, तो ये जो वॉल के ऊपर अपर बॉटम के ऊपर जो प्रेशर लगा रहा होगा उसका ये प्रेशर डायग्राम है। ये प्रेशर एट बी है और ये प्रेशर एट सी है। ये आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। प्रेशर एट बी, प्रेशर एट सी। ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की वजह से जो फोर्स आ रहा है ये PH1 कहला रहा है। ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की वजह से जो फोर्स आ रहा है वो PH2 कहला रहा है। ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की वजह से ये जो फोर्स आ रहा है वो ये PH3 कहलाएगा। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दीज फोर्सेस। फॉर दिस वी हैव टू कैलकुलेट दी प्रेशर एट दिस बी, हॉरिजॉन्टल प्रेशर एट बी एंड हॉरिजॉन्टल प्रेशर एट सी। नाउ फाइव डैश फॉर फिलिंग विल बी इक्वल टू 5' f 0.755। कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है आपका यहाँ से, क्योंकि कोल का है आपका एक ग्रेनुलर मटेरियल है, कोल का है आपका एक ग्रेनुलर मटेरियल है। तो वॉल फ्रिक्शन कितना होगा फिलिंग में? 0.755 और एम्पटिंग के लिए 0.65, फिलिंग के लिए 0.5 और एम्पटिंग के लिए 1, ये यूज़ करूँगा मैं। तो जो 5' है ये 0.755 आ रहा है, तो 26.25 आ गया क्योंकि 5 35 डिग्री था। ऐसे एम्पटिंग के लिए 5' ये 0.65, 5 35 डिग्री है तो 21 डिग्री हो गया। अब प्रेशर रेशियो जो है के फॉर फिलिंग, के एफ कितना? 0.5 और के 1 अभी आपने टेबल से देखा। नाउ फ्रैक्शन फॉर वॉल ऑफ बंकर, म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो म्यू क्या होता है? 10 पाई। तो म्यू डैश एफ क्या होगा? 10 5' f। 5' f की वैल्यू पुट कर दी, 0.493 आ गया। एम्पटिंग के केस में निकाला 5' e, 10 5' e, 5' e की वैल्यू पुट कर दी मैंने 21, तो 0.384 आ गया। ये म्यू डैश एफ और म्यू डैश ई की वैल्यू आ गई। अब जो आर हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है वो क्या होता है? ए बाय पी, एरिया बाय पेरीमीटर। तो एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का, क्योंकि प्लान में कैसा रेक्टेंगुलर है, तो 6 × 12, जिसकी लेंथ कितनी है 12, विड्थ कितनी है 6। पेरीमीटर क्या होगा? 2 × L+b, 2 × L कितना है 6, b कितना है 12, तो r कितना आ गया आपके पास 2। अब हॉरिजॉन्टल प्रेशर निकालूंगा b पे, ये जो b पॉइंट है, इस b पॉइंट पे और इस c पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल प्रेशर निकालना है मेरे को। तो हॉरिजॉन्टल प्रेशर एट b बाय जेसन थ्योरी क्या होगा? डब्ल्यू आर अपॉन म्यू डैश ई 1 − e⁻²⁻ h·μ·e·ke/r। हॉरिजॉन्टल प्रेशर एम्पटिंग के केस में निकालूंगा, वर्टिकल प्रेशर फिलिंग के केस में निकालूंगा। ये टेबल नंबर 2 से पता मेरे को कि हॉरिजॉन्टल प्रेशर कहाँ निकलेगा एम्पटी के केस में, वर्टिकल प्रेशर कहाँ निकलेगा फिलिंग के केस में। तो डब्ल्यू की वैल्यू 8, यूनिट वेट जो है आपका, आर आपका 2, यहाँ से कैलकुलेट करा। म्यू डैश ई अभी निकाला आपने 0.384। एच क्या होगी भाई? हाइट है यहाँ पर, ये क्या है बीप तक हाइट 4 मीटर, और सी के लिए क्या हो जाएगी 8 मीटर। तो 8 4 पुट कर दिया, म्यू डैश ई पुट कर दिया, KE1 था R2 था, तो PH की वैल्यू आ जाएगी इससे 22.36। ना हॉरिजॉन्टल प्रेशर एट सी कितना होगा? वही फॉर्मूले से भाई, यहाँ पर सिर्फ क्या चेंज होने वाला है, ये हाइट चेंज हो जाएगी इस फॉर्मूले में, ये जो फॉर्मूला है इसमें क्या चेंज होगा? हाइट। तो यहाँ पर PH आ गया 32.98 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्रेशर आ गया। अभी हॉरिजॉन्टल प्रेशर जो है ये लिखा हुआ 22.36 बी पे था और 32.98 सी पे था। अब मेरे को फोर्स कैलकुलेट करना है, PH1, PH2 और PH3। तो ये प्रेशर डायग्राम का जो एरिया होगा वो क्या देगा? फोर्स। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करूँगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना है 22.36 इंटू हाइट, ये लिख ला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 44.72 आ गया। अब नाउ ये रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? 22.36 × 4, 22.36 × 4 89.44। नाउ एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना है
32.98 में से ये 22.36 माइनस कर दूंगा तो ये मिल जाएगा। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी 4, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 21.24 किलोन्यूटन पर मीटर आ गया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दी बस्टिंग फोर्सेस। ये आपका एक स्कीमेटिक डायग्राम आ गया है, लाइन डायग्राम है बंकर का। ये आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स बस्टिंग फोर्स लग रहा है एच वन, ये एच टू लग रहा है बस्टिंग फोर्स यहाँ पर, ये एच थ्री लग रहा है बस्टिंग फोर्स बी पर, सिमिलरली ये एच फोर्स लग रहा है बी पर सी पर। अब ये एच वन एच टू एच थ्री के वैल्यूज कैलकुलेट करनी है मेरे को, और ये प्रेशर डायग्राम है ये जो आपने कैलकुलेट करा पी एच वन पी एच टू और पी एच थ्री। और यहाँ जो मटेरियल स्टोर्ड है इसके अंदर कोल के सॉरी बंकर के अंदर, उसका जो वेट आएगा यहाँ पर है ना, ये जो ट्राइंगल रेक्टेंगुलर पोर्शन है ये ट्राइंगुलर पोर्शन है और ये फिर से रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर लिया, तो इसकी वजह से जो जो फोर्स आ रहा है ये है 80 किलोन्यूटन। ये कैसे निकलेगा भाई, गामा इंटू एरिया करके, गामा इंटू एरिया करके, गामा कितना 8 इंटू एरिया, एरिया कितना होगा ये 2.5 इंटू 4, तो ये 80 आ जाएगा। ऐसे ही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये वाला इसके लिए हाफ इंटू बेस कितना है इसका 2.5, हाइट कितनी है 4 इंटू कितना गामा 8 है आपका। ऐसे ये वाला डब्ल्यू थ्री कैसे निकलेगा, 8 इंटू 0.5 इंटू ये हाइट 8, 32 आ जाएगा। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मेरे को एच वन और एच टू की वैल्यू निकालना है, तो एच वन की वैल्यू क्या होगी 1/3 पी एच वन, क्योंकि ये जो डायग्राम है एच वन और एच थ्री इसके ऊपर ये प्रेशर लग रहा है, ये ट्राइंगुलर लोडिंग आ रही है, तो जो रिएक्शंस की वैल्यूज होती हैं वो कितना होगा 1/3 पी एच वन। तो पी एच वन की वैल्यू कितनी भाई यहाँ से 44.72 टोटल फोर्स है, तो 44.72 एच टू की वैल्यू 2/3 पी एच वन, ये रिएक्शन जो कैलकुलेट करता हूँ मैं उसके फॉर्मूले हैं, तो 44.72 29.78 किलोमीटर पर मीटर। नाउ टेकिंग मोमेंट अबाउट ओ, इस ओ के अबाउट मोमेंट लेना है मेरे को कैसा होगा भैया, एच वन इंटू ये डिस्टेंस 8, बट एच वन और एच टू जो है, एच वन और एच टू और पी एच वन अगर ओ के अबाउट निकाल लूंगा मैं तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसलिए इनके वैल्यूज इसके मोमेंट नहीं निकालूंगा मैं, ना एच वन ना एच टू ना ही पी एच वन, किस किस का निकालूंगा एच थ्री डब्ल्यू वन डब्ल्यू थ्री डब्ल्यू टू पी एच टू और पी एच थ्री। ना सबसे पहले डब्ल्यू वन, तो डब्ल्यू वन इंटू ये डिस्टेंस कितना होगा सी जी पे लग रहा, तो डब्ल्यू वन इंटू 1.25, डब्ल्यू वन इंटू 1.25, 2.5 का हाफ कर दिया मैंने। अब क्या बचा भाई डब्ल्यू टू, तो डब्ल्यू टू इंटू ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस 2b/3, 2b/3 कितना होता है 1.67, 2 इंटू 2.5/3 मतलब 5/3 1.67। अब डब्ल्यू थ्री के लिए डब्ल्यू थ्री इंटू ये डिस्टेंस 2.5 प्लस 0.5 का हाफ, तो 0.5 का हाफ। अब एच थ्री, एच थ्री इंटू ये डिस्टेंस माइनस एच थ्री इंटू 4, ये लिखा एच थ्री इंटू 4। फिर पी एच टू, पी एच टू इंटू कितना सी जी पे लग रहा 4/2, 2 पी एच थ्री इंटू कितना होगा पी एच थ्री इंटू 4/3 दैट इज 1.33 इज इक्वल टू कितना 0। ओके अबाउट मोमेंट ले लिया मैंने, इज इक्वल टू कितना हो गया 0। नाउ डब्ल्यू वन की वैल्यू पुट कर दी, डब्ल्यू टू की वैल्यू पुट कर दी, डब्ल्यू थ्री की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, ऐसे पी एच टू पुट कर दिया और पी एच थ्री पुट कर दिया। नाउ एच थ्री की वैल्यू कितनी आ गई 11.9 किलो न्यूटन, ये सॉल्व करने बाद 11.9 किलो न्यूटन वैल्यू आ गई एच थ्री की। नाउ वर्टिकल प्रेशर ड्यूरिंग फिलिंग, द फॉर्मूला विल बी डब्ल्यू आर अपॉन म्यू डैश के वन माइनस सी टू पावर माइनस एच म्यू डैश के अपॉन आर। वर्टिकल प्रेशर आप फिलिंग के लिए फाइंड आउट करते हैं और हॉरिजॉन्टल प्रेशर एम्प्टिंग के लिए करते हैं। तो वर्टिकल प्रेशर के लिए म्यू के लिए म्यू डैश एफ पुट करूँगा, के लिए के एफ पुट करूँगा। म्यू डैश के एफ की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हैं, डब्ल्यू आपका 8 था, आर की वैल्यू 2 थी। तो ये वर्टिकल प्रेशर एट सी निकाल रहे हैं, तो एच की वैल्यू कितनी होगी भाई 8 मीटर,
तो पीवी कितना आ गया, 63.59 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। अब ऐसी वर्टिकल प्रेशर पी पे निकालूंगा, तो बी पे हाइट कितनी है आपकी, 8 मीटर, बी पे सॉरी 4 मीटर, और सी पे कितनी, 8 मीटर। तो बी के लिए आपने एच की वैल्यू कितनी पुट करी, 4, तो पी वी आपका आ गया 24.65। तो पी वी आपने सी और बी दोनों पे निकाल लिया। ना वर्टिकल प्रेशर ड्यू टू वेट, ये जैसे शुरू से निकाला था मेरा वर्टिकल प्रेशर, अब ये वर्टिकल प्रेशर कहाँ से निकालूंगा, मेरे ड्यू टू वेट ऑफ मटेरियल ऑन वॉल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू इंटू एच या गामा इंटू एच। प्रेशर एट बी कितना होगा, डब्ल्यू इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी है बी पर, 4 मीटर, तो 32 आ गया, डब्ल्यू आपका यूनिट वेट है। इसी प्रेशर एट सी कितना है, डब्ल्यू इंटू एच, 8 इंटू 8, दैट इज 64 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एच की वैल्यू कितनी है, 8 मीटर। ना ये ऊपर बॉटम का इंक्लिनेशन कितना होगा, अल्फा। इस अल्फा की अगर वैल्यू निकालनी है तो मैं 10 अल्फा लगा दूंगा यहाँ पर, परपेंडिकुलर बाय बेस 4 बाय 2.5, तो ये अल्फा की वैल्यू आ गई 58 डिग्री। अब ये जो बी सी है, इस पे जो नॉर्मल प्रेशर लग रहा होगा, ये नॉर्मल, दिस नॉर्मल प्रेशर जो लग रहा होगा बी और सी पे, वो कैलकुलेट करना मेरे को। तो नॉर्मल प्रेशर ऑन बी सी कितना होगा, पी वी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस पी एच साइन स्क्वायर अल्फा। ये नॉर्मल प्रेशर का फॉर्मूला है, पी वी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस पी एच साइन स्क्वायर अल्फा। अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब बी और सी पे मैं क्या करूँगा, बी और सी पे वैल्यूज निकालूंगा मैं, बी और सी पे वैल्यूज निकाली। तो बी पे जो वैल्यू रहेगी, पी वी की वैल्यू कितनी है भाई, 32, और पी एच की वैल्यू कितनी है, 22.36 बी पर, तो पी एन आ गया 25.05 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। सिमिलरली एट सी की बात करूँगा, तो पी एन की वैल्यू कितनी होगी भैया सी पर, पी वी कितना है, 64 है, यहाँ से ये 64 आ गया आपका, और पी एच कितना है, 32.72 8 मीटर पे सी पर। तो पी एन की वैल्यू कितनी आ गई, 41.50 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू 58 पुट करी है मैंने, तो बी और सी पे नॉर्मल प्रेशर्स आ गए। ऐसे टेंजेंशियल प्रेशर कैलकुलेट करूँगा पी वी माइनस पी एच साइन अल्फा कॉज अल्फा के फॉर्मूले से। तो बी पे जो बी पे जो आपको टेंजेंशियल प्रेशर मिलेगा, उसके लिए पी वी और पी एच की वैल्यू बी पे निकालना पड़ेगी, आप निकाल चुके हैं पहले ही। तो पी वी 32 है और पी एच 22.36 है, अल्फा की वैल्यू पुट कर दी, तो पी टी आ गया 4.33, ये बी पॉइंट पे आया। ऐसे सी पॉइंट पे निकालूंगा, तो सी पॉइंट के लिए पी वी और पी एच की वैल्यू पुट करूंगा, 64 माइनस 32.72, तो पी टी टेंजेंशियल प्रेशर आ गया 14.06 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। ये आपका डायग्राम है, बी सी थ्रो प्लेट है, बी सी की जो ऊपर बॉटम की प्लेट आ रही है बी सी है, ये आपका नॉर्मल प्रेशर आया 25.05 बी पर, और सी पर आया 41.50। ये आपका वर्टिकल प्रेशर था, दैट इज 32 और 64 बी और सी पे रिस्पेक्टिवली। ऐसे ही टेंजेंशियल प्रेशर आ गया 4.33, और ये 14.06 बी और सी पर। नाउ अब मैं डिज़ाइन करूँगा वर्टिकल प्लेट, मेरे को डिज़ाइन करनी है ये वर्टिकल प्लेट, ये वाली वर्टिकल प्लेट, ये थ्रो प्लेट, और बीम एट बी एंड बीम एट ए। तो वर्टिकल प्लेट जो है आपकी, ये बेंड हो रही है दो डायरेक्शन में, द प्लेट विल बेंड इन टू डायरेक्शन। तो जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो भी हाफ हो जाएगा, और जो स्टिफनेस प्रोवाइड करूंगा मैं वर्टिकल प्लेट पे, वो 600 mm स्पेसिंग पे होंगे। थिकनेस ऑफ प्लेट जो मैंने एज्यूम करी है वो 6 mm एज्यूम करी है अभी, अगर ये फेल होता है तो मैं बढ़ा दूंगा, और अगर पास होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो हॉरिजॉन्टल प्रेशर एट बी, हॉरिजॉन्टल प्रेशर एट बी कितना है, 22.36, ये पी एच एट बी आया था मेरा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एम इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 × 2। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 22.36, और एल कितना होगा, ये 0.6 अपॉन 12 × 2, तो ये मोमेंट आ गया 0.33544 किलोमीटर मीटर। हॉरिजॉन्टल प्रेशर एट बी, फिर से बता रहा हूँ मैं, ये प्रेशर एट बी आया था, बता रहा हूँ मैं आपको कहाँ से आया है, ये है वैल्यू है ये,
ये PHB 22.36 ये वैल्यू, तो ये मोमेंट आ गया फाइनली इतना 0.3354 किलोमीटर। इससे मैं बेंडिंग स्ट्रेस निकाल लूँगा। एफ क्या होता है, एम बाय जेड। एम की वैल्यू मेरे को आ गई, मेरे पास आ गई है। जेड कितना होगा, बी डी स्क्वायर बाय 6, बी डी क्यूब बाय 12 अपॉन डी बाय 2 होगा, तो बी डी स्क्वायर बाय 6 हो जाता है वो। बी कितना मेरे पास 600, और डी कितना है 6 mm, थिकनेस 6 mm ली है मैंने। तो यहाँ से जो मैंने एफ की वैल्यू निकाली वो 93.08 है, विच इज़ लेस देन 165। ये परमिसिबल स्ट्रेसेस इन बेंडिंग होती है 0.66 Fy करके, हमेशा अपन बात करते हैं इसकी, तो 165 से कम है तो सेफ है। इन केस सेफ नहीं आता तो मैं क्या करता, थिकनेस बढ़ा देता 6 से 8 mm कर लेता। नाउ डिज़ाइन ऑफ थ्रू प्लेट, डिज़ाइन ऑफ थ्रू प्लेट। ये जो थ्रू प्लेट है ये भी दो डायरेक्शन में बेंड होगी। इसके जो स्टिफनेस की स्पेसिंग अगेन 600 mm है, इस टाइम जो थिकनेस ली हो मैंने 8 mm ली है। नॉर्मल प्रेशर एट सी 41.50, ये जो प्रेशर लिया मैंने यहाँ से लिया है, ये सी पे जो प्रेशर आ रहा है नॉर्मल प्रेशर 41.50 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला वही रहेगा डब्ल्यू स्क्वायर बाई 12 × 2, तो 41.50 × 0.6 का स्क्वायर अपॉन 12 × 2, तो ये आगा 0.625 किलोमीटर मीटर। ये मोमेंट है आपका, तो स्ट्रेस निकालूंगा तब मोमेंट अपॉन जेड सेक्शन मॉडुलस। तो मोमेंट की वैल्यू ये है बी डी स्क्वायर बाय 6, इस बार थिकनेस कितनी 8 स्क्वायर 8 mm, तो ये 97.27 आया विच इज लेस देन 165, हैंस ओके। तो ये आपकी प्लेट क्या है, थ्रू प्लेट सेफ है। नाउ डिजाइन ऑफ टॉप बीम एट ए, ये जो टॉप बीम आ रही है ए पर इसकी डिज़ाइन करना, और बी पर आज आ रही है इसकी डिज़ाइन करना। तो ए पे जो फोर्स आ रहा है भाई उसकी बात करता हूँ। लेंथ ऑफ स्पान कितना है, 4 मीटर। परपेंडिकुलर टू दी स्लाइड जो मेरी लेंथ थी वो 12 मीटर थी, और जो स्पेस कॉलम्स कितने लगे हैं 4, तो स्पेसिंग ऑफ कॉलम्स कितनी होंगी भाई 4 मीटर, तो इसलिए लेंथ ऑफ स्पान कितना होगा मेरे पास 4 मीटर। एच वन की वैल्यू जो आई थी मेरे पास 14.89, ये जो एच वन आया था ये वाला, ये वैल्यू आई थी यहाँ से 14.89। तो ये एच वन ही फोर्स लगा रहा होगा, इतना ही फोर्स आ रहा होगा ये। तो उसके लिए मेरे पास जो फॉर्मूला रहेगा मोमेंट का, क्योंकि बीम है तो मोमेंट, बीम पे कितना मोमेंट आता है डब्ल्यू स्क्वायर बाई 8, तो डब्ल्यू कितना हो जाएगा 14.89, एल कितना है 4, तो मोमेंट आ गया मेरे पास, मोमेंट कितना होगा 29.78 किलोमीटर मीटर। अब जेड कितना होगा, एम बाय एफ, एम की वैल्यू तो ये आ गई, एफ कितना 165, एम कितना है ये 29.78 और एफ कितना 165, तो जेड आ गया 180.48। तो इस टी टेबल से मैंने एक सेक्शन ले लिया जिसका जेड इससे ज़्यादा हो, तो आई एस एल बी 225 एट द रेट 235 न्यूटन पर मीटर, हैविंग जेड इज इक्वल टू 220.4 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ डिज़ाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल बीम एट बी, बी पर जो बीम आ रही है उसके लिए बात करूंगा। तो लेंथ ऑफ स्पान कितना भाई मेरे लिए 4 मीटर, अगेन वही स्पेसिंग ऑफ कॉलम। एच थ्री की वैल्यू यहाँ पर जो मेरा डब्ल्यू होगा वो क्या होगा भाई, ये एच थ्री जो आ रहा है, ये जो एच थ्री आ रहा है जो कि वैल्यू कितनी है एच थ्री की 11.9। तो 11.9 आ गया, पुट करा मैंने डब्ल्यू स्क्वायर बाय एम कितना है 23.8 किलोमीटर मीटर, तो जेड कितना होगा एम बाय एफ, एम की वैल्यू ये, एफ कितना 165, यार जेड आ गया 144.24। तो मैंने एक सेक्शन ले लिया स्टील टेबल से जिसका जेड इससे ज़्यादा होगा, तो ये आपकी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई, बंकर की कंप्लीट। थैंक यू।